हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गूगल एनालिटिक्स कोड को वेबसाइट पे कैसे इम्प्लीमेंट की जाती है। गूगल एनालिटिक्स कोड एक 5-6 लाइन की एक कोड होती है जिसे हमें अपने वेबसाइट पे इम्प्लीमेंट करनी होती है। अब ये एक वेबसाइट है kujha.com, ठीक है। अब इस पे मुझे गूगल एनालिटिक्स कोड इम्प्लीमेंट करनी है, उसके बाद टैग असिस्टेंट के थ्रू देखना है कि इम्प्लीमेंट सही हुई है कि नहीं, फिर गूगल एनालिटिक्स के डैशबोर्ड पे जाके देखेंगे कि ट्रैकिंग हो रही है कि नहीं। सबसे पहले हम गूगल पे जाके गूगल एनालिटिक्स टाइप करेंगे। ये आ गया गूगल एनालिटिक्स। अब इसमें हम कोई भी जीमेल आईडी, एग्जिस्टिंग आईडी यूज कर सकते हैं या फिर हम कोई एक नया क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसा कि मेरे पास एक जीमेल आईडी है, मैं उसी को यूज कर रहा हूँ। जैसे कि साइन अप फॉर गूगल एनालिटिक्स, ऐड ट्रैकिंग कोड, लर्न अबाउट ऑडियंस, यहाँ पे हम साइन अप पे क्लिक करेंगे। अब गूगल एनालिटिक्स वेबसाइट के लिए भी होती है और ऐप के लिए होती है। अब यहाँ से हम वेबसाइट के लिए स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमारी ये वेबसाइट है। अकाउंट नेम में हम कुछ भी एंटर कर सकते हैं जो कि हमारे वेबसाइट से रिलेटेड हो, ठीक है। यहाँ पे वेबसाइट का नाम भी एंटर कर देता हूँ। अब यहाँ पे हम वेबसाइट का यूआरएल एंटर करेंगे। तो हमारी वेबसाइट का यूआरएल है www.kujha.com। यहाँ पे HTTP है और HTTPS है। तो जैसे कि आपने देखा था, यहाँ HTTP करके हमारे डोमेन से पहले था, तो मैंने HTTP ले रखा है। अगर HTTPS होता तो हम यहाँ से HTTPS सेलेक्ट कर लेते। अभी इंडस्ट्री कैटेगरीज सेलेक्ट करने का ऑप्शन आया। यहाँ बहुत सारे डिफरेंट कैटेगरीज हैं जिसमें से आप एक सेलेक्ट कर सकते हो। अगर नहीं, इनमें से कोई नहीं है तो आप अदर सेलेक्ट कर सकते हो। पर जैसा कि मेरा इसमें है जॉब इन एजुकेशन, एजुकेशन से यहाँ टाइम जोन हम सेलेक्ट करेंगे, इंडिया एग्जिस्टिंग, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना। अब यहाँ पे गेट ट्रैकिंग आईडी करेंगे तो हमें टर्म एंड कंडीशन के बारे में पूछेगा, उसको एक्सेप्ट करेंगे। आई एक्सेप्ट। हाँ, अब ये आ गई हमारी गूगल एनालिटिक्स कोड जिसे हमें अपने वेबसाइट पे इंप्लीमेंट करना, और ये है हमारी ट्रैकिंग आईडी। सबसे पहले इस कोड को हम कॉपी करेंगे। अगर वर्डप्रेस की साइट बनी है तो हम इस पे जाएंगे, एडिटर पे। अगर वर्डप्रेस पे नहीं बनी है तो आप अपने डेवलपर को दे देना, या खुद से भी आप हेडर या फुटर में कॉपी करना इस कोड को, क्योंकि हेडर और फुटर जो होती है वो वेबसाइट के हर पेज पे कॉल होती है, और गूगल एनालिटिक्स आपको हर पेज पे कॉल करानी है अगर आप हर पेज ट्रैक करना चाहते हो। तो थीम हेडर पे मैंने क्लिक किया। यहाँ मैं हेड टैग से, क्लोजिंग टैग से पहले मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, अपडेट कर देता हूँ। यहाँ अपडेट हो रहा है। अब इस पेज को मैंने फ्रेश किया नहीं है, इसको सोर्स कोड देखता हूँ। अभी इसमें ट्रैकिंग आईडी इंप्लीमेंट नहीं हुई होगी, ठीक है। अब इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ, उसके बाद इसके सोर्स कोड में चेक करता हूँ कि ट्रैकिंग आईडी इंप्लीमेंट हुई है कि नहीं। अभी आप देख रहे हो कि ट्रैकिंग आईडी यहाँ पे इंप्लीमेंट हो गई है। अब हमें सोर्स कोड में तो दिख गया, अब हमें ये देखना है कि गूगल गाइडलाइन के अनुसार, उनके जो स्टैंडर्ड होते हैं उसके हिसाब से हमारी ट्रैकिंग सही तरीके से इम्प्लीमेंट हुई है कि नहीं। इसके लिए अब हम टैग असिस्टेंट, एक एड ऑन आता है गूगल क्रोम के लिए,
वो हम इंस्टॉल करेंगे। एड टू क्रोम, एड एक्सटेंशन, ये इंस्टॉल हो गया। ठीक है, अब हम वापस इस पे आते हैं। यहाँ पे हर पेज के लिए हमें चेक करना है, तो वैलिडेट फॉर ऑल पेज कर देते हैं। यहाँ डन, अभी कोई यहाँ स्ट्रैकिंग नहीं दिखा रही। फिर इसको रिफ्रेश करते हैं। अब यहाँ पे एक दिखा रहा है। अगर ये ग्रीन सिंबल में दिखा रहा है, इसका मतलब कि जो हमारी इम्प्लीमेंटेशन हुई है वो सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हुई है। अगर ब्लू दिखाए तो इम्प्लीमेंटेशन सही हुई है, ट्रैकिंग भी होगी, पर वो गूगल का स्टैंडर्ड नहीं था। अगर येलो दिखाएगा तो येलो में वार्निंग है, सही तरीके से नहीं है। और अगर रेड दिखाएगा तो बिल्कुल ट्रैकिंग नहीं हो रही है, या ट्रैकिंग हो भी रही है तो गलत तरीके से ट्रैकिंग हो रही है। तो हमारे ये ग्रीन आया तो ये सही माना जाता है। अब हम वापस टैग इसमें देख लेते हैं, इम्प्लीमेंटेड फाइल सही है। अब हम देखते हैं कि हमारी ट्रैकिंग हो रही है कि नहीं। ये तो हमने देख लिया इसके थ्रू कि इम्प्लीमेंटेशन हो गई सही तरीके से। अब आते हैं, इस पे ये है हमारी गूगल एनालिटिक्स, यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट किए हैं। अब हमें रियल टाइम में देखें, क्योंकि बाकी सब रिपोर्ट में डेटा आने में टाइम लग। तुम रियल टाइम पे आए, ओवरव्यू पे क्लिक किए। अब यहाँ देखो, आपको ये होम पेज दिखा रहा है कि यहाँ पे रियल टाइम में होम पेज ओपन है और एक यूज़र है। यूज़र मैं ही हूँ यहाँ पे अभी। अब इसको मैं पेज चेंज करके देखता हूँ कि गूगल एनालिटिक्स में भी यहाँ पे चेंज हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे भी होम पेज ही है। अभी देखो, अभी थोड़ी देर में चेंज हो जाएगा ये कि मैंने, हाँ ये देखो अभी अबाउट अस आ गया। फिर मैं दूसरे पेज ओपन करके देखता हूँ, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस है, हाँ कॉन्टैक्ट अस आ गया। इसी तरह से ये हमने देख लिया कि कोड इम्प्लीमेंट भी हो गई है, ट्रैकिंग भी स्टार्ट हो गई है, तो सब कुछ प्रॉपर वे में हो चुका है। बाकी इसमें बहुत सारे रिपोर्ट्स आपको मिल सकते हैं। ये तो रियल टाइम में है कि कौन से लोकेशंस पे कितने यूजर्स हैं। अभी फ़िलहाल एक ही दिख रहा है, इंडिया से मैं ही हूँ। ट्रैफिक सोर्स इसमें डायरेक्ट है या ऑर्गेनिक थ्रू है या पेड है, सारा डेटा यहाँ दिखेगा। इवेंट ट्रैकिंग, कन्वर्जन, सब यहाँ दिखेगा। ऑडियंस के बारे में सारा इंफॉर्मेशन यहाँ दिखेगा। ओवरव्यूज, एक्टिव यूजर्स कितने हैं, डेमोग्राफिक, इसको एनेबल करना पड़ता है ताकि हमारे पास और भी करेक्ट डेटा आ जाए। ओके, यहाँ पे एज के बारे में, जेंडर के बारे में, इंटरेस्ट, जियो लोकेशन, बिहेवियर, टेक्नोलॉजी, मोबाइल ब्राउजर्स, सारा कंप्लीट डेटा ये गूगल एनालिटिक्स देता है। अब यहाँ पे हमें चैनल से पता चलता है कि कौन से चैनल से हमारे वेबसाइट पे आए, पेड से आए, ऑर्गेनिक से आए, सर्च से आए, सारा डिटेल इसके अंदर हमें मिलता है। जैसे कि अभी यहाँ पे आपको सब 00 डेटा दिख रहा है, क्योंकि अभी एनालिटिक्स कोड हमारा स्टार्ट ही हुआ है। कुछ रिपोर्ट में 3 से 4 घंटे होते हैं अपडेट होने में, किसी किसी में 12, किसी किसी में 1 से 2 दिन लग जाता है अपडेट होने में रिपोर्ट। तो अभी तो इसमें कोई हमारे दिखेगा भी नहीं कोई डेटा। यहाँ से हम गोल सेट कर सकते हैं, जो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा कैसे गोल सेट करते हैं, कैसे इवेंट ट्रैकिंग सेट करते हैं। तो ये हो गया हमारी गूगल एनालिटिक्स ट्रैकिंग प्रॉपर वे में। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।